हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज का वीडियो बहुत ही खास, बिकॉज आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप घर बैठे कैसे वीज़ा प्लस एमिरेट्स आईडी के लिए आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंटली आई हैव गोन थ्रू दिस ओवरऑल होल प्रोसेस। मैंने अभी रिसेंटली ही मैंने अपने न्यू बॉर्न बेबी बॉय के लिए ए वीज़ा एंड एमिरेट्स आईडी के लिए अप्लाई किया है बाय माई सेल्फ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप घर बैठे ही कैसे एमिरेट्स आईडी प्लस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस ओवरऑल प्रोसेस में आपको किसी भी ऑफिस के लिए विजिट करने के लिए ज़रूरत नहीं है, एंड एटलीस्ट आप मान के चलिए कि कम से कम आप 500 टू 700 दिरहम्स के साथ ही आप सेव करने जा रहे हैं। सो इसके लिए सबसे पहले एमिरेट्स आईडी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। एमिरेट्स आईडी के अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट प्लस पासपोर्ट होना ज़रूरी है। यदि आपने ये दो प्रोसेस पहले ही कंप्लीट कर लिए है तो चलिए चलते हैं और प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। टाइप करिए ICP। आप देखेंगे जो सबसे पहले पेज है वो ICP स्मार्ट सर्विसेज का है। यही है वो साइट है जिसको हमको यूज़ करना है। सो जैसे ही स्मार्ट सर्विसेज ICP.gov.ae की साइट ओपन होती है, इसमें आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सर्विसेज में जाके आपको इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे आप अपनी ईमेल डालिए, एंड यू हैव टू सेलेक्ट आई एम नॉट रोबोट, कंटिन्यू। मैं आपको एक ऑप्शन, एक ईमेल आएगा, इस ईमेल में जाके आपको क्लिक करना है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे सो आपको ये ऑप्शन देगा कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पर डू यू हैव यूनाइटेड एमिरेट्स आइडेंटिटी, क्लिक ऑन यस। इसमें आप अपनी एमिरेट्स आईडी डालिएगा, एमिरेट्स आईडी डालिए और इसमें नेक्स्ट जाइए, और फिर इसके बाद आपको स्टेप्स गाइड करेंगे, उसके थ्रू आप इसको प्रोसेस को फॉलो करिए। जैसे ही आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आपको इसके बाद डायरेक्ट आना है इस साइट में, smartservices.icp.gov.ae में। और इसमें हमको सबसे पहले करना है लॉगिन। तो इसको मैं अपने ऑलरेडी जो ईमेल आईडी से मैंने रजिस्टर्ड किया है उसके थ्रू मैं लॉगिन करता हूँ। यू कैन कैंसिल दिस पॉपअप, एंड आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ द पुश नोटिफिकेशन, सो आई एम गोइंग टू डू डिसमिस। सो नाउ यू हैव टू, दिस होल प्रोसेस इज फर्स्ट टू अप्लाई एमिरेट्स आईडी। आपको इसमें वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एमिरेट्स आईडी को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको दुबई फेडरल अथॉरिटी का एक यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, तो इसमें आप क्लिक करिए। इसके बाद हमको क्या करना है, एमिरेट्स आईडी सर्विसेज में क्लिक करना है, देन एमिरेट्स आईडी फॉर रेजिडेंट एंड न्यू बॉर्न विथ इन UAE। सो ये प्रोसेस जो पूरी बताई जा रही है, ये प्रोसेस है आपका बेबी बॉर्न जो UAE में हुआ है, तो आपको न्यू बॉर्न्स विथ UAE सेलेक्ट करना है, देन इश्यू न्यू एमिरेट्स आईडी। ये जो पूरी प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, इसमें आप बिलीव करिए आपको ना ही कहीं पर जाना है, आपका ये जो प्रोसेस है पूरी है ही घर बैठे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें ऑलमोस्ट आप 400 to 500 दिरहम आप सेव करेंगे। सो न्यू यूनिफाइड नंबर वी डोंट हैव, सो आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। एप्लीकेंट क्लास ऑटोमेटिकली उसने सेलेक्ट कर लिया है, एक्सपेक्ट एप्लीकेशन एप्लीकेंट क्लास डिटेल्स न्यू बॉर्न एंड डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। तो मेरा जो बेबी है, मैं अभी कुछ भी डेट सेलेक्ट करता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल। सो आप सेलेक्टेड 9 जनवरी 2023। प्रीफर्ड लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इंग्लिश। आई न्यू आईडी कार्ड ड्यूरेशन आपको यहाँ पे बताना है कि आईडी जो आप एमिरेट्स आईडी बनवाना चाह रहे हैं वो कितने साल के लिए बनाना चाह रहे हैं, 1 or 2 years, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट 2 years। जेंडर क्या है आपके बेबी का, मेल और फीमेल जो भी है आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट नेम इन इंग्लिश, सो आई एम गोइंग टू टाइप नेम इन इंग्लिश एंड अरेबिक इट विल टेक ऑटोमेटिकली। देन सेकेंड नेम इफ इट इज़ मिडिल नेम और समथिंग इज देयर, देन यू हैव टू टाइप द सेकेंड नेम, थर्ड नेम और समथिंग एल्स। बट मेरा जो बेबी का नेम है फर्स्ट नेम एंड फैमिली नेम है, सो मैं इसमें फैमिली नेम डालूंगा विच इज़ माई सर नेम, एंड ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि इसमें अरेबिक में कन्वर्ट होता जा रहा है। इसके बाद मदर नेम डालना है आपको,
सो मदर नेम में आप पूरा ही नाम डाल दें जितना इसमें टाइप होता है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि यदि ये पूरा आपका नाम इसमें टाइप नहीं हो पाता है। करंट नेशनैलिटी में आपको अपनी इंडियन नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। माय नेशनैलिटी इज़ इंडिया, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दैट। एमिरेट्स ऑफ बर्थ, इसमें आपको बताना है कि आपका जो बेबी है वो कहाँ पे आपका बर्थ हुआ है। सो माय बेबी गॉट बॉर्न ऑन शारजा हॉस्पिटल, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट शारजा। इसमें आप शारजा, दुबई कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको एग्जैक्ट लोकेशन सेलेक्ट करना है जहाँ पर भी बेबी हुआ है। सिटी ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ क्या है मेरी, शारजा है, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट शारजा अगेन। सो माई बेबी प्लेस ऑफ बर्थ इज़ शारजा, सो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे शारजा। रिलीजन मेरा हिंदू है, सो मैं आई एम गोइंग टू सेलेक्ट हिंदू। फेथ क्या है, हिंदू है। मैरिटल स्टेटस, आपको यहाँ पे बेबी का मैरिटल स्टेटस ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा, तो इसमें आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंगल एंड प्रोफेशन चाइल्ड आएगा इसमें ऑटोमेटिकली। पासपोर्ट टाइप इज़ ऑर्डनरी पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर W75। पासपोर्ट इशू डेट क्या है, आपको अपनी इस पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पासपोर्ट से कलेक्ट करनी है। इसमें ये डालिए पासपोर्ट इशू कंट्री, तो इसमें पासपोर्ट इशू कंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे फिल करनी है। पासपोर्ट आप जैसे आपका बच्चा है, आपका जो बेबी है यदि UAE में बॉर्न है तो पासपोर्ट इशू कंट्री UAE आएगा। इसके बाद आपको अपना लोकेशन सेलेक्ट करना है, मेल आईडी डालना है आपको, और परमानेंट कंट्री, आपकी परमानेंट कंट्री जो भी होम कंट्री है वो सेलेक्ट करिए। आई एम सेलेक्टिंग इंडिया। डिटेल एड्रेस आउटसाइड UAE, सो आपको यहाँ पर होम कंट्री का एड्रेस डालना है, सो आई एम गोइंग टू पुट होम कंट्री एड्रेस। यहाँ पर परमानेंट मोबाइल नंबर डालिए, यू कैन गिव द फ्री मेथड। सो जैसे ही आपका एमिरेट्स आईडी रेडी हो जाती है, आप इसको कैसे सेलेक्ट करना चाहते हैं, सो आई विल सजेस्ट यू टू सेलेक्ट जाजेस सर्विसेज। इसमें आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपके घर बैठे आपको एमिरेट्स आईडी मिल जाएगी। सो डिलीवरी टू स्पेसिफिक एड्रेस जाजेस सर्विस आई एम गोइंग टू सेलेक्ट। और आपको यहाँ पर एमिरेट्स सेलेक्ट करना है कि आपका जो होम एड्रेस है वो कहाँ पर है और आप कहाँ पर डिलीवरी लेना चाहते हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आपको अगेन आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का फ़ोन नंबर डालना है, एंड आपको यहाँ पर दूसरा नंबर डालना है जो कि इन केस आपका यदि फ़ोन रिचेबल नहीं होता है तो कौन सा नंबर यूज़ किया जाएगा। अभी जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही नंबर डाल दे रहा हूँ, और आपको आई एम नॉट गिविंग यू करेक्ट नंबर, बट आपको अपना करेक्ट नंबर इसमें डालना है। उसके बाद सेलेक्ट करिए नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट। सो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फिल हो जाती है, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सो डॉक्यूमेंट में आप दे सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन मांगा गया है, ए कॉपी ऑफ द पासपोर्ट ऑफ द बेनिफिशरी ऑफ द सर्विस रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर आपको अपने बेबी का पासपोर्ट अपलोड करना है। कलर फ़ोटोज़ आप अपने फ़ोन के थ्रू ले सकते हैं, और जो भी फ़ोटो आपने पासपोर्ट के टाइम पर यूज़ किया है, जस्ट मेक श्योर कि आपके जो बेबी की ईयर्स एंड आईज आर ओपन और फ़ोटो में प्रॉपर विजिबल हैं। स्पॉन्सर पासपोर्ट मीन्स जो भी इसको स्पॉन्सर कर रहा है वीज़ा को, इन माय केस मैं बेबी का फादर हूँ, मैंने इसको पासपोर्ट स्पॉन्सर किया है। सो मैं यहाँ पर आई एम गोइंग टू अपलोड माय पासपोर्ट कॉपी। फादर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको पासपोर्ट कॉपी आपकी डालनी पड़ेगी, एंड मेरे पास इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे तो मैंने वो सभी अपलोड कर दिए। बर्थ सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, बट बर्थ सर्टिफिकेट भी मैंने अपलोड कर दिया था। फादर एमिरेट्स आईडी, फ्रंट फेस, सो आई हैव अपलोडेड ऑलमोस्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। वंस दिस डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड, यू कैन सी हियर दिस विल शो हियर, देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड यू हैव टू वेरीफाई ऑल द इन्फॉर्मेशन हियर, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो दिस इज द टोटल फीस विच यू नीड टू पे एट द मोमेंट, सो आई एम गोइंग टू पे, क्लिक ऑन आई एग्री, एंड देन क्लिक ऑन अम्बल क्रेडिट कार्ड, देन पे। एंड वंस यू एंटर द क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एंड यू प्रेस यू डिड द पेमेंट, योर एमिरेट्स आईडी विल बी इन द प्रोसेस।
सो एमिरेट्स आईडी आपकी तब तक डिलीवर नहीं होगी जब तक आपका वीज़ा अप्लाई नहीं होता है। एमिरेट्स आईडी अप्लाई करने के बाद हमारा सबसे नेक्स्ट स्टेप होता है वीज़ा के लिए अप्लाई करना। वीज़ा के अप्लाई करने के लिए दुबई नाउ ऐप को डाउनलोड करना होगा हमको। इसकी पूरी प्रोसेस आपको दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस वीडियो को आप फॉलो करें।